गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक न्यू नरूटो की वीडियो में। काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें शायद हमको आगे देखने मिलेगा एग्जाम में क्या होने वाला है, चुने एग्जाम में क्या क्या फाइटिंग करनी पड़ेगी अपने नरूटो सासुके सकुरा की स्क्वाड को। तो जल्दी से बढ़ते हैं, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, कंटेंट अच्छा लगे तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना एंड सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। बाकी चलते सीधा वीडियो में, लेट्स गो। ओके, ये लोग खोलने वाले हैं, लेट्स सी। ओ, खोल दिया, ये ओपन हो गया। क्या लिखा है भाई? क्या इसका क्या मतलब है? एक आदमी, एक इंसान। ओए, कुछ धुआं सा निकला ऊपर भाई, तो समनिंग जुत्सु है। नारुतो, सकुरा, उन स्क्रॉल्स को दूर फेंक दो। कोई निकल रहा है उसमें से, शायद समनिंग जुत्सु है तो मतलब कोई निकलेगा ही। मे भी कौन निकल रहा है? ओ, कोई पर्सन है। सेंसे, आप यहाँ? ककासी है क्या? ककासी है। ओके, नहीं ककासी नहीं है। hey. ये दूसरा वाला है जो पहले में पहले था ना, वो है। hey, आपने इस तरह से सरप्राइज एंट्री क्यों ली? आप एक समनिंग से यहाँ क्यों आए हो? दूसरी एग्जाम के अंत में हम चुनी टेस्ट देने वालों का स्वागत करते हैं। तीनों सही वक्त पर आए हो। अच्छा, और अब कंग्रेचुलेशंस, तुम दूसरी एग्जाम में पास हुए। तुम्हारे पास होने की खुशी में मैं तुम सबको इचिराकू नूडल्स की ट्रीट देना चाहता हूँ, पर मैं नारुतो का फेवरेट नूडल्स मेरी बात पूरी नहीं हुई है, छोड़ो मुझे। नारुतो, अरे वाह, मैं कब से नूडल्स खाने का इंतजार कर रहा था, खासकर उन सब कीड़ों और पौधों के बाद जिन्हें हम पिछले कुछ दिनों से खा रहे हैं। आज तो मैं दुनिया के सारे नूडल्स खा जाऊंगा। ये इतनी एनर्जी लाता कहाँ से? भाई बहुत ज्यादा एनर्जी है यार नारुतो में, बहुत ही ज्यादा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम अब भी उतने ही हाइपर एक्टिव हो नारुतो। वो हमेशा ऐसे रहता है, हाइपर एक्टिव। अगर कोई स्क्रॉल खोला जाता तो इनके साथ हुआ था, को बेहोश करने का आदेश मिला था। कुछ निंजा को इसी गलती का नतीजा भुगतना पड़ा। तुमने मुझे बचा लिया, थैंक्स अ लॉट कबूतो। कबूतो तो आराम ही निकला था, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था भाई साहब। अगस्त पर वो लिखी गई है, वो बहुत पुराना है, हम समझ नहीं पाए। ओह प्लीज, देखो हम पास तो हो गए ना, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उसे समझना भी उन ड्यूटीज में से एक है जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। नारुतो की तरह फ्री माइंड रहो भाई, फ्री माइंड। हाँ सच में ये काफी सीरियस बात है। लिव इन प्रेजेंट, उसे अच्छी तरह से आगे के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस है, यानी वो सिद्धांत जिनका चुनिन को पालन करना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस है? हाँ, हेवन का मतलब है तुम्हारा दिमाग और अर्थ का मतलब है तुम्हारा शरीर। इसका मतलब है अगर हमारा दिमाग कमजोर हो नारुतो, तो तुम्हें ये खास ध्यान देना होगा कि तुम अपने मिशंस की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और स्किल सीखने में दुगनी मेहनत करो। ठीक है, मैं समझ गया। और तुम, अगर तुम्हें अर्थली क्वालिटीज नहीं है तो खुद को ट्रेन करो, तैयारी करो। तो अगर तुम्हें फिजिकल ताकत की कमी है सकुरा, तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि तुम हर दिन अपनी फिजिकल कंडीशनिंग पर काम करो ताकि हर वक्त उसमें सुधार होता रहे। खासकर तुम नारुतो, मुझे फिक्र है इरुका सेंसे, ये हेडबैंड मिलने के बाद मैं एक स्टूडेंट नहीं रहा, इसलिए अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने इसे मुझे दिया था, मैं जोशीला हूँ पर छोटा बच्चा नहीं। जैसा आपने कहा, मैं इस दूसरी चुनिन एग्जाम में पास हुआ और आप देखना मैं तीसरी एग्जाम में भी जरूर पास हो जाऊंगा। लेट्स सी तीसरे एग्जाम में क्या होने वाला है। मैं भी एक निंजा हूँ। इसकी बातें ना सबको ना उसमें डालती है अचंभे में, क्या करेगा ये। और यहाँ पर सारे के सारे जो है झूठ बना के खट्टे हुए हैं। सबसे पहले तो सबको दूसरी एग्जाम पूरी करने की बधाई हो। चलेगा हम लोगों को बधाई हो, बधाई हो।
सच कहूं तो मुझे ताजुब है कि 21 पास हुए। मुझे पता था कि आधे से भी कम निंजा पास मतलब होंगे, पर मुझे सच में लगा ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा फेल हो गए हैं भाई, और सारे जो है मेन में नहीं बचे हुए हैं यहाँ पर। ये देख रहे हो, ये मतलब मेन में ही बचे, जो मतलब दिखाया जा रहा था जिसको वही लोग बचे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। इतने सारे बच्चे, इन सबको झेलना पड़ेगा, कितना बोरिंग है। इसको हर चीज ही बोरिंग लगती है, हर चीज। बस तुम ही खुश हो इस बात से। भी पास हो गई काकाशी, जरूर किस्मत अच्छी रही होगी, पर हाँ मेरी टीम के होते हुए तुम्हारी टीम की हार तो तय है। वैसे अगली टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है काबिलियत, और इसमें तो हम तुमसे बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल से बड़े होने का एक हिस्सा है अपनी हार का दर्द सहना सीखना, है ना काकाशी? तुमने कुछ कहा क्या? ये होती है बेइज्जती। जीते जब तुम ऐसे कूल बनते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम मुझसे बेहतर कभी नहीं बन पाओगे। तो वो है गाय सेंसे की बेइज्जती भाई। अगर मुझे दोनों को लुक्स में जज करना हो तो गाय सेंसे पक्का ही हार जाते। गाय सेंसे से ज्यादा कूल टीचर और कोई नहीं है। अरे वो तो इतने कूल है कि वो अपनी कूलनेस से चमकते हैं। उसको काकाशी पसंद नहीं है गाय सेंसे। एक दिन आपको मुझ पर बहुत नाज होगा। मैं हयाते गेको तीसरी एग्जाम का इंचार्ज कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओ ये तीसरी एग्जाम का इंचार्ज है हयाते गेको। तुम सबको एक काम करना है। तीसरी एग्जाम शुरू होने से पहले इसको क्या खांसी हो रखी है? अस्थमा हो गया, क्या हो गया? टीवी हो गया, क्या हो गया भाई इसको? टीवी हो गया, टीवी अस्थमा, पता नहीं। तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे जो हो जाए। मैंने कबूतर से वादा तो किया नहीं है। हटेगा भाई, लेकिन कबूतर हरामी है भाई। कबूतर पे भरोसा मत कर नारुतो। उसका फैसला वन ऑन वन कॉम्बैट से होगा, जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा था, अगर किसी को लगता है उससे ये नहीं होगा तो यही वक्त है अपना हाथ उठाने का। क्या उन्हें वाकई लगता है कि कोई हार मानेगा? इसका वो कर्ज अभी तक दर्द दे रहा है इसको। ये दर्द अब तो ये बार बार हो रहा है। प्लीज सास की हार मान लो इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए। डर लग रहा है यार। सकुरा, एक तो ना लड़की रोके दिखाती है ना, तो और ज्यादा लड़कों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहली बात ये। चुप रहो सकुरा। तुम्हें लगता है मुझे दिखना ही रहा है? बंद कर अपना अपना मुंह बंद करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं दिखता कि तुम कितना तड़प रहे हो? सकुरा को काफी ज्यादा इसकी टेंशन है, या फिर सॉरी, मैं तुम्हें खुद के साथ ये नहीं करने दूंगी। ये पहली बार नहीं हुआ जब ये एग्जाम के बीच में से जा रहा है। आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है? माना तुम औरों के मारो के चाहते हो, पर ध्यान रहे कुछ करने वाले मत कर बैठना। लेकिन अभी काफी ज्यादा स्लो चल रहा है यार ये। कुछ बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है भाई। कुछ देर और ये खेल खेल सकता। वैसे भी मैं अपना काम कर चुका हूँ। जब आप खुद यहाँ सब पर नजर रख रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है, है ना लॉर्ड? ओए भाई, मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी नहीं कर लूंगा। वो साला खड़ा है इनके बीच में ही ऑलरेडी, और चिमारू और तुमसे भी नारुतो। यहाँ पर किसी को सही में नहीं पता चल रहा कि वो यहीं पे खड़ा है। तो बताओ, क्या किसी और को भी यहाँ से जाना है? मैं ये नहीं होने दे सकती, मुझे उन्हें बताना होगा। सासुके ने रोक लिया उसको। उन्हें इस निशान के बारे में बताने की सोचना भी मत। इसको उसकी टेंशन हो रही है, लेकिन वो नहीं चाहता। उसको तो कॉम्पिटिशन करना है, उसको टेंशन हो रही है। पता नहीं तुम क्या साबित करना चाहते हो। क्या मैं बस एक तरफ खड़ी होकर तुम्हें तड़पता हुआ देखती रहूं? मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। तो मत देखो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। यार उसने उसको बचाया दो दिन तक, इतनी ज्यादा उसकी सेवा पानी करी, एंड वो ऐसे बोल रहा है उससे। लेकिन उसका भी अपना एक मोटिव है ये चीजें बोलने का, ताकतवर हूँ जितना बन सकता हूँ। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, और मैं इसी तरीके से जान पाऊंगा
कि सबसे ताकतवर कौन है। ओह सास्के, अभी शर्म नहीं है ना? उसकी नाक गायब हो गई भाई। क्यों कर रहे हो बेवकूफ? इसे तुम्हारी परवाह हो रही है इसलिए कह रही है। नारुतो, तुम उनमें से हो जिनके साथ सबसे पहले लड़ना चाहता हूँ। अब वो खुश हो जाएगा कि मेरे को भी एक कंपटीशन या स्ट्रॉन्ग मानता है वो। और यहाँ पर आते हुए अकाडो सासुके, उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया ना। इस जगह को खाली करके उस पे चले जाओ, सारे छज्जे पे चले जाओ। चलो निकलो निकलो, यहाँ लड़ाई होने वाली है, मजा आने वाला है। मैं तैयार हूँ और मैं भी। लेट्स गो सासुके वर्सेस यूरोई। एंड उसने कुछ तो यूज कर रहा है और ये इससे लड़ने वाला है क्या? नहीं, सबसे पहले ये स्टार फेंके उसने। ये तो गलत है यार, मतलब कि यार उसको कुछ लड़ने ही नहीं दे रहा वो। ओए कितनी जल्दी यहाँ पे आया वो। ओ नाइस वे सासुके, फ्लैग तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, तोड़ दे। सासुके जीत गया। ऐसा क्या? ओ मेरे को लगा ना उसने उसका कुछ पकड़ लिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट वो कुछ तो यूज कर रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई सा जोसु यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? ओए उसने पता नहीं कुछ तो यूज किया तगड़ा। मेरी सारी ताकत अचानक चली गई। सास की ऐसा मत करो। भाई सासुके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया यार, उसने हार गया वो भी इतनी जल्दी। ये क्या, मेरा चक्र, ये क्या कर रहे हो? वो उसकी लग रहा है ना पावर तो तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी सासुके का चक्र एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसा लग रहा है। मुझ पर से हटो। हे लाती मारी साले, दूर हो। वाह तुम्हें अब भी कुछ ताकत बची है। इसकी प्यूपिल गायब है यार, इसका आंखें बस काला डॉट है, बड़ा सा नहीं। बाल बाल बचा। फिक्र मत करो लड़के, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। ये फिर से जा रहा है क्या उसके पास उसकी चक्र एब्जॉर्ब करने? यहाँ सासुके डॉज तो कर रहा है अच्छे से। नहीं बच गया, थक गया भाई। अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम में इतना ही दम बचा है? मेरे पास उससे दूर रहने जितनी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, और उसके पास जाकर लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे जल्द ही कोई और रास्ता सोचना होगा। वो नहीं बोल रही है उससे, उसको चीयर नहीं कर रही है वो, गुस्से में है। तुम इस बदमाश को ऐसे मनमानी करने दोगे? चलो यार वक्त बर्बाद करना छोड़ो और अपना कमाल दिखाओ अपना सासुके, लेट्स डू इट समथिंग। वो सब मुझे, अरे हाँ समझ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पीठ दिखाने की? गलती कर दी तुमने। अब नहीं, वो सासुके कुछ तो समझा है। नाइस नाइस नाइस, सही है सही है सही है। क्या उसका सफर बस यहीं तक था? भाई सासुके थकने के बाद भी अच्छा डॉज कर रहा है उसको। ये कहाँ गया? कहाँ गया ये? बहुत बढ़िया, ये तो मेरा जोसु है। ये क्या? उसने गारा, नहीं गारा कह रहा हूँ। ठीक है मैं मानता हूँ कि ये मूव मेरा नहीं किसी और का था, लेकिन इसके बाद सब कुछ मेरा। ओए ये डांसिंग लीफ शैडो कर रहा है, क्या नाम है, ब्रोकली का कर रहा है, येलो ब्रोकली का। ओए वो करने ही नहीं देगा उसको कुछ अपना काम। नहीं नहीं वो दोबारा से इसकी ताकत पावर उसकी हावी हो रही है उसके ऊपर। ओए आंखों में
खुद को एक उचिहा कहते हो? चुप रहो लूजर, अभी मैंने हार नहीं मानी है। बहुत ज्यादा उसको नहीं, मैं इसे खुद पर काबू नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। सासुके उसको कंट्रोल कर रहा है, ये हुई ना बात सासुके वाली। वो कर्स मार्क शांत हो गया। अब तुम देखो, ये ले, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूबता है। ये दिया मूवे, और एक और जाने वाला है। ये ले, जा रहे हो? भाई खत्म, अभी मैंने खत्म नहीं किया। ये ले लात उस, ये मारा है भाई, उसका साले का खून पानी सब निकाल दिया भाई अंदर से। अब नहीं उठेगा वो, लग रहा है खत्म भाई। भाई पर्स तक टूट गया, उतना इतनी तेजी से इंपैक्ट पड़ा है भाई। सासुके ने उसकी कांट फाड़ दी भाई, फाड़ दी। उसका ब्लड निकल रहा है, मास्क के अंदर दिख नहीं रहा वो, बट अब नहीं उठने वाला। डेड हो गया क्या ये? तो अब उठने से रहा। खत्म भाई, इतना कमजोर होने के बाद भी सासुके ये कर सकता है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। क्या हुआ साले, ओरचिमा मारू तेरी गांड मारू, कुछ भी निकल जाता है। उस पर गुस्सा आ रहा है ना, इसलिए निकल जाता है। ये मुकाबला यहीं खत्म होता है। एंडेड। इस प्रीलिमिनरी राउंड को जीतकर सासुके उचिहा जीत गया। क्या बात है, ये नारुतो ने पीछे से चीयर किया था, उसमें और ज्यादा मतलब वो आई ताकत या जान, थोड़ा सा मतलब चीयर करने से भी आता है यार पावर करने का। हे सासुके, तुम जीत तो गए पर ऐसा लग नहीं रहा, जीतने के बाद भी लग रहा है कि जैसे तुम्हारी पिटाई हुई है। लूजर कहीं के, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं। खैर छोड़ो सासुके, शुक्रिया तुम ठीक हो, मुझे तो बस अपनी बारी का इंतजार है। मुझे तो बस अपनी बारी का इंतजार है। अगर हमारी लड़ाई के वक्त मैंने तुम्हारे मूव्स करीब से ना देखे होते तो इस मुकाबले का कोई और ही नतीजा। ये पूरी उचिहा एबिलिटी देखी भी नहीं है भाई, ये नारुतो ही देख रहा हूँ ना, यहाँ सासुके ज्यादा चल रहा है। नारुतो कब देखने को मिलेगा इस तरीके का? लगा कि सासुके ने उस पर काबू कर लिया हो। मुझे हरा पाया था, इसका तो आदि तोड़ दिया। पहले से जानती थी उसे कुछ नहीं होगा। अगर इससे मुकाबला हुआ तो हम गए। मुझे भूख लगी है। इसका तो भूख ही खत्म नहीं हो रहा उसको, कोई इतना भी कुछ नहीं था। ये क्या दे? हे सकुरा, हो सकता है मेरा वहम हो, पर क्या तुमने मुकाबले के वक्त सासुके की गर्दन पर कुछ अजीब निशान देखे थे? हम एक टीम है, अगर वो मेरी फिक्र करेगा तो उसके एग्जाम पे असर पड़ेगा। कैसे निशान? मैंने कुछ नहीं देखा। ओ ठीक है, तो चलो अब हम अगले मुकाबले की ओर। लेट्स गो। किस किस का आएगा और किस किस का? जाकू और सीनो। किसकी शामत आई है? इसके इसके साथ। ओ ये अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। आगे आगे आओ प्लीज। इसका तो हाथ पहले से टूटा हुआ है, दोनों ही तोड़ रखे हैं सासुके ने, पीछे से मारा था ना जो लात पकड़ के। तुम तैयार हो भाई? बहुत तगड़ा सीन था यार वो वाला जो मारा था सासुके ने। ये तो वही साउंड वाले शिनोबी है जिसके हाथों को सासुके ने तोड़ दिया था वैसे। ये तोड़ा था भाई, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सीन था ये वाला। सासुके तुम्हें अपने हाथों पर बड़ा नाज है ना, लगाव है ना इनसे? ये ले। नहीं, ये क्या कर रहे हो? अभी भी ये सीन देख के ना बहुत ज्यादा अंदर से वो लग रहा है भाई, बहुत तगड़ा ही तोड़ा था हाथ। वो उन जख्मी हाथों के साथ कैसे लड़ेगा? पता नहीं कैसे लड़ेगा। तुम्हें लगता है शिनो इसमें जीत पाएगा? वो कर लेगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ?
यहाँ पर किसी में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ओ, अब देखने को मिलेगा सीनो क्या करता है। ये कहाँ चला गया? कहीं ये ना लड़े उससे आके। बहुत ज्यादा हरामी है साला। अगर तुम मुझसे लड़े तो जिंदगी भर के लिए हाथ तोड़ हार मान कर पीछे हट जाओ। उसके तो हाथ पहले से टूटे हुए हैं यार। अरे ये क्या हुआ? मेरे एक हाथ में थोड़ी सी हलचल हो रही है। अरे ये क्या हुआ यार? अलग ही सीन है यार यहाँ के। तुम्हें हराने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। तुम तो दोनों हाथों से भी मुझे हरा नहीं सकते। अच्छा तो देखो अब क्या करता हूँ। ये वाला वेपन है भाई। ये लो स्लाइसिंग साउंड वेव। ये वहां से डॉज कर गया। डॉज कर गया या सही में उसको लगी है? एक तो इतना धुआं आ जाता है, जल्दी हटता भी नहीं। ओए उसको जख्मी कर दिया या फ्लैट कर दिया? और यहाँ सासुके नहीं, काकाशी सासुके साथ कुछ कर। अच्छा शायद वो जो कर्ज है ना उसको सील करेगा यहाँ पर, मतलब कि वो। ओए इतना सारा क्या लिख रहा है भाई? खून से लिख रहा है क्या? इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम तैयार हो? सीलिंग। ओए भाई वो सारे जो वर्ड है ना उसके अंदर जा रहे हैं। वो देखो सारे उसके अंदर जा रहे हैं। वो सील कर, ऐसे ऐसे सील हो जाएगा शायद। हो गया सील, हो गया शायद। बॉडी देख रहे हो सासुके की? हो गया। जब अगली बार वो कर्ज मांग जागना शुरू करेगा तो ये सील उसे दायरे से बाहर नहीं आने देगी। अच्छा। पर याद रहे, ये कर्ज सीलिंग जुत्सु उतना ही ताकतवर है जितने कि तुम खुद पर जितना यकीन रखोगे ये उतना ही ताकतवर साबित होगा। अगर कभी तुम्हारा यकीन डगमगाया या अगर कभी तुम्हें खुद पे शक होने लगा तो ये कर्ज दुगनी ताकत से तुम पे हावी हो जाएगा। सही है भाई। बेचारे में इतनी ताकत भी नहीं बची कि मुझसे। वाह तुम तो काफी बड़े हो गए। तुम में इतना पावर आ गया कि तुम कर्स सीलिंग जुत्सु भी करने लग गए। ओर्चीमा मारू। तुम बड़े दिनों बाद मिले काकाशी। इससे भी मिला हुआ, मतलब वो सबको जानता ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है या फिर क्यों वो एक मतलब विलेन बन गया है? इतना अच्छा है भाई, लेकिन मतलब सब उसको जानते थे, लेकिन वो किसी वजह से तो विलेन में आया होगा या उसने चूज किया होगा ऐसा करना, लेकिन वो तो पता नहीं क्यों किया है। बाकी इससे सब निपटेंगे कैसे? एक तो इसको पता ही नहीं चल रहा किसी को कि वो इनके बीच में ही घूम रहा है मजे से। एंड यहाँ पर जो फाइट चल रही है काफी ज्यादा तगड़ी चल रही थी। सासुके ने काफी अच्छा फाइट किया, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ नारुतो के फाइट के लिए। वो होप्स शायद हमको अगले एपिसोड में देखने को मिले। बाकी ये वाला एपिसोड मतलब काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अभी इससे ज्यादा नहीं देखने वाला मैं। ऑलमोस्ट 3 एपिसोड में भी हो चुका है अभी इस वाले वीडियो के लिए। बाकी और आगे हम एपिसोड देखेंगे, उसमें पता लगाएंगे कि नारुतो किससे लड़ेगा एंड कैसे लड़ेगा, हारेगा जीतेगा, वो सब पता करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे नारुतो में। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच दिल से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।